अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि उनके जो एग्ज़ाम दो रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन अनाउंस किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम पॉलिसी इस तरह होगी, इस तरह उन्होंने अनाउंस किया है, शेड्यूल किया है, तो वो तमाम जो नोटिफिकेशन है तमाम डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को लाजमी बताएं ताकि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी अपडेट्स आए तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, तमाम बोर्ड्स की, आपको लम्हा ब लम्हा जल्द अज जल्द पता चल जाए। तो चलें आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जिस तरह HSC ने कहा था कि तमाम यूनिवर्सिटी को इख्तियार है कि वो ख़ुद फैसला कर सकती हैं कि कौन से एग्ज़ाम लेने हैं, नहीं लेने हैं, किस तरह लेने हैं, ऑनलाइन लेने हैं, ट्रेडिशनल लेने हैं, जिस तरह भी। तो काफ़ी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी कुछ यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं किया और HSC के दरमियान और यूनिवर्सिटी के दरमियान ये इशू बना हुआ है कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या क्या होगा, वो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया HSC की तरफ से भी और बाकी यूनिवर्सिटी से भी। तो लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने अनाउंस कर दिया है कि जो एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके बारे में मैंने फुल डिटेल में आपको वीडियो बताई थी जिसमें उन्होंने BA, BSc, MA, MSc, उसके बाद LLB, BS, CS और BS के प्रोग्राम के बारे में जो भी डेट शीट थी, शेड्यूल था, वो उन्होंने ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था। तो वो आपको मैंने बता दिया एक वीडियो में। तो इसके अलावा आज जो हम डिस्कस करने हैं वो उन पेपर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन पेपर होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है अगर ऑनलाइन पेपर ना हुए तो इसके बाद ट्रेडिशनल पेपर्स होंगे, एग्ज़ाम होंगे जिस तरह पहले होते हैं। तो ट्रेडिशनल के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जिस तरह आप हर साल लोग पेपर दे रहे हैं, स्टूडेंट्स दे रहे हैं सेंटर में जाके, तो वो थ्योरी का पेपर होता है, ऑलरेडी सबको पता है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑनलाइन पेपर्स के बारे में, ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में कि किस तरह वो होंगे। तो अभी HSC जो है वो गौर कर रही है स्टूडेंट्स की जो पॉलिसी बनाने के लिए, जो उनके पेपर किस तरह लेने हैं, तो वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम दिया जाए जिसमें ना कोई चीटिंग हो, ना कोई किसी के साथ ज्यादती हो, बिल्कुल साफ़ और शफाफ जो है वो एग्ज़ाम हो, पेपर हो। ये HSC का भी फैसला है, नोटिफिकेशन भी उन्होंने अनाउंस की, नोटिफिकेशन भी आ गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से जो है वो यही है कि अभी ऑनलाइन पेपर किस लिए किस तरह होंगे। तो उन्होंने अभी कहा है कि ऑनलाइन पेपर जो होंगे वो MCQs की सूरत में होंगे, उसमें थ्योरी के पेपर नहीं होंगे। लेकिन ये अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि वो ऑनलाइन पेपर कहाँ होंगे, क्या स्टूडेंट्स अपने घर में बैठ के ऑनलाइन पेपर देंगे या सेंटर्स में जाकर। तो वो आपको आगे जाके यूनिवर्सिटी जो है वो नोटिफिकेशन अनाउंस करेगी, आपको बताएगी कि किस तरह वो पेपर लेंगे। तो बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑनलाइन पेपर होंगे वो जो सिलेबस कवर किया स्टूडेंट्स ने BA, BS का, BSc, इसके बाद BS के प्रोग्राम जो है, उसके बाद MA, MSc जो सिलेबस है जो पहले वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसी में से MCQs की सूरत में पेपर होगा। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने, बहुत से फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने कमेंट्स किया है कि ऑनलाइन पेपर किस तरह होंगे और उसका सिलेबस किस तरह होगा। तो उन मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ कि जो ही कोई नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से, HSC की तरफ से, कि इस तरह का सिलेबस होगा, इस तरह ऑनलाइन पेपर होंगे, तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद है कि उन लोगों को पता चल जाए कि आप परेशान ना हो। बिल्कुल जो आपके जहन में बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे कि पेपर किस तरह होने ऑनलाइन, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ही यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी जो भी अपडेट, जिस तरह पहले अनाउंस करती गई है कि ऑनलाइन पेपर होंगे, तो वो मैं आपको लम्हा लम्हा बताता रहा हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में, HSC की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो भी अपडेट्स आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसकी तरह HSC की तरफ से, कि पेपर इस तरह मेथड के साथ होंगे, सिर्फ अभी और सिर्फ और सिर्फ अभी जो है डेट शीट अनाउंस हुई है, अभी वो सिलेबस के बारे में नहीं उन्होंने बताया कि इस तरह का पेपर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आके आपको लम्हा बलम्हा वीडियो की शक्ल में आपको बता दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।